नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर पे। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो और आपकी जस्ट अभी किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे जॉब भी लगने वाली है तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है ये है भी जब कोई फ्रेशर स्टूडेंट पहली बार किसी कंपनी में अकाउंटिंग जॉब के लिए जाता है रियल अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, तो उसके माइंड में जो क्वेश्चन रहते हैं भी उस कंपनी में मेरे से क्या क्या वर्क करवाया जाएगा या जिस कंपनी में जो वर्क होता है वो वर्क मुझे प्रॉपर सही तरीके से आता है या नहीं आता है, या वो वर्क मैंने सही तरीके से सीखा है या नहीं सीखा, मुझसे वहाँ पर कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। तो इस टाइप के जो कन्फ्यूजन जो सस्पेंस एक फ्रेशर अकाउंटेंट के दिमाग में होते हैं, आज की वीडियो हम दोस्तों उसी को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेशर अकाउंटेंट के दिमाग में रहते हैं चाहे कोई भी हो, क्योंकि जब मैं भी फ्रेशर था तो जब भी मैंने भी किसी कंपनी में जॉब की शुरुआत करी थी तो ये भी क्वेश्चन मेरे माइंड में भी थे कि वहाँ पे कंपनी में क्या वर्क होगा, वो वर्क प्रॉपरली मेरे को आता भी है नहीं आता। तो जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वही आपको आज मैं बताने वाला हूँ भी आपको स्टार्टिंग में क्या करना है और आपको किस टाइप से अकाउंटिंग की शुरुआत करनी है। तो दोस्तों आपको अकाउंट की शुरुआत दो अलग अलग कंपनी में करनी पड़ सकती है। एक ऐसी कंपनी जहाँ पर कंपनी काफ़ी पुरानी है, वहाँ पर अकाउंटेंट मतलब यानी कि सीनियर अकाउंटेंट ऑलरेडी वहाँ पर है, लेकिन आप वहाँ पे एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में वर्क करोगे। और दूसरी कंपनी ऐसी है भी, उस कंपनी ने बिजनेस अभी बिल्कुल ही नया ही स्टार्टअप किया है और आप उस कंपनी में जॉब की शुरुआत करोगे तो यानी कि आप फर्स्ट अकाउंटेंट ही आप होगे, सीनियर अकाउंटेंट भी आप ही हो, जूनियर अकाउंटेंट भी आप ही हो, यानी कि उस कंपनी की जो अकाउंटिंग मेंटेन करने की जो शुरुआत है, उसके टैक्सेशन करने की जो शुरुआत है, वो सारा कुछ आपको ही करना है। तो दो आपको अलग अलग कंपनी में जॉब करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में आपको हम दोनों कंपनियों के बारे में बताएंगे भी आपको मतलब ऑलरेडी जो पुरानी कंपनी है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा और जो नई कंपनी में अगर आप शुरुआत करोगे तो वहाँ पर आपको किस तरीके से अकाउंट को लेकर थोड़ा सा केयर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कोई टेली सॉफ्टवेयर में या कोई अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई प्रैक्टिकल वाउचर की एंट्री करना नहीं बताएंगे, बल्कि ये थोड़ा सा इस मैटर पे हम डिस्कस करेंगे ताकि जो आपके मन में जो कन्फ्यूजन है या जो डर जो बैठा हुआ है वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक फ्रेशर अकाउंटेंट होता क्या है और एक नया अकाउंटेंट कौन होता है। तो दोस्तों दोनों में बहुत डिफरेंस है। फ्रेशर अकाउंटेंट यानी कि एक ऐसा अकाउंटेंट जिसने अकाउंट्स को अच्छी तरीके से सीखा है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उन वाउचर्स की एंट्री कैसे होती है वो भी उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से सीखा है, लेकिन उन्होंने मार्केट में किसी कंपनी का प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन अभी तक नहीं किया है। यानी कि अकाउंटिंग काम करने का एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस भी है, कैसे काम किया जाता है ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से जानता है, लेकिन मार्केट में अभी तक अकाउंटिंग वर्क करने के लिए कोई कदम मार्केट में अभी तक नहीं रखा, वो होता है बिल्कुल फ्रेशर अकाउंटेंट। और नया अकाउंटेंट का मतलब यानी कि एक ऐसा अकाउंटेंट न तो उसको कोई अकाउंट्स के रूल का पता, न ही कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में मतलब पर्टिकुलर अच्छी तरीके से नॉलेज, यानी कि वो स्टार्टिंग में किसी जानकार की वजह से वो किसी सीनियर अकाउंटेंट के अंडर में रह के काम को सीखना चाहता है, तो यानी कि वो बिल्कुल भी जीरो है, बिल्कुल भी नया है। तो फ्रेशर यानी कि ऑलरेडी नॉलेज है बट प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मार्केट में नॉलेज काम करने का नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी कंपनी में जॉब की अगर आपकी लगती है भी जहाँ पर वो कंपनी पुरानी है और वहाँ पर अकाउंटेंट ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन आपको वहाँ पर एज ए असिस्टेंट के अकाउंटेंट के रूप में आपको काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है भी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो या जॉब आपकी लगने वाली है तो उस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, यानी कि वो कंपनी किस टाइप का काम करती है, यानी कि वो ट्रेडिंग का काम करती है या फिर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोडक्शन का काम करती है या फिर कोई सर्विस की कोई एजेंसी है या कोई सर्विस की कोई कंपनी है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद बारी आती है भी वहाँ पर किस टाइप के प्रोडक्ट को सेल परचेज किया जाता है या किस टाइप के प्रोडक्ट सेल को बनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करते हैं भी, अब मान लीजिए उस कंपनी का वर्क है जो ट्रेडिंग का वर्क है, अब ट्रेडिंग का वर्क कौन सा हो गया भी, ऐसी कंपनी जहाँ पर गुड्स परचेज करती है और एजीटी ही उसको अपना मार्जिन लेके सेल कर देती है, तो इस टाइप की बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है भी, ट्रेडिंग बिजनेस में आपको
गुड्स उस कंपनी में परचेज होता है, तो यानी कि आपको परचेज एंट्री करनी पड़ती है, तो प्रोडक्ट को सेल भी किया जाता है, तो सेल वाउचर भी तैयार करने पड़ेंगे। अब आपने उस कंपनी में सप्लायर से गुड्स परचेज किए, यानी कि जो सामान आपने खरीदा है, तो उन सप्लायर्स को आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो आपको पेमेंट वाउचर में भी एंट्री करनी पड़ेगी। या आपने अपने कस्टमर को जो उधार में सेल किया है, जो प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं, तो जब उसका पैसा आपके पास आएगा तो वो आपकी रिसिप्ट बनेगी, तो रिसिप्ट वाउचर भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और उसके बाद में बैंकिंग के ट्रांजेक्शन है, जैसे कि रूटीन का काम, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना, बैंक से पैसा जो या विड्रॉल करना है, या बैंक के द्वारा पेमेंट करनी है, या बैंक के द्वारा जो चेक रिसिप्ट करनी है, मतलब अमाउंट को रिसिप्ट करनी है, तो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन की है। तो उसके बाद में कभी कभार ऐसा भी होता है भी, अगर मान लीजिए आपने अपने सप्लायर्स को गुड्स है जो वापस कर दिया, यानी कि रिटर्न कर दिया, तो आपको डेबिट नोट तैयार करके रखना पड़ता है। या मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, उस कस्टमर ने आपको गुड्स वापस रिटर्न कर दिया, तो आपको क्रेडिट नोट यानी कि सेल रिटर्न के वाउचर भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये कोई रूटीन का वर्क नहीं है भी, आपने क्रेडिट मतलब रोजाना ही आपके पास सामान वापस आएगा, या रूटीन में आप भी सामान कंपनी को रिटर्न करते हो, तो ये डेबिट क्रेडिट हो सकता है महीने में आपको 2 या 3 बार आपको बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन जो परचेज है, सेल है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, या जो बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन है, ये आपका रूटीन का वर्क है। तो ये वहाँ पर इन वाउचर्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में। तो दोस्तों अगर आपके मान लीजिए वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि प्रोडक्शन का काम करती है, तो वहाँ पर आपको जो रॉ मटेरियल के जो प्रोडक्ट कंपनी परचेज करती है, तो उस परचेज वाउचर की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो प्रोसेस का वर्क होता है, WIP हम जिसको बोल देते हैं, वर्क इन प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस होता है, जो रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया जाता है जो फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने में, तो उसके ट्रांजेक्शन आपको पता होने चाहिए, बिल ऑफ मटेरियल में हम उसको किस तरीके से करते हैं, या फिर उसके बाद में जो फाइनल गुड्स जब हम सेल करते हैं, तो उस सेल वाउचर की एंट्री हम किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों इस टाइप की जो अकाउंटिंग है, उसका पहले आपको नॉलेज अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स है किसी इंस्टीट्यूट से सीख के डायरेक्ट ही किसी कंपनी में चला जाता है, तो अगर उसने वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट पे जाके प्रैक्टिकल तरीके से अगर उसने अकाउंटिंग सीखी है, प्रैक्टिकल तरीके से वाउचर को मेंटेन करना, मैनुअल अकाउंटिंग को मेंटेन करना, उसके बाद में बुक्स को कंप्यूटराइज मेंटेन करना, यानी कि उसको अकाउंटिंग का नॉलेज ऑलरेडी है, प्रैक्टिकल तरीके से भी है, तो वहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर दिक्कत आएगी तो उसको मात्र 2 या 3% की प्रॉब्लम आ सकती है, जो हर किसी को आती भी है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, आपको इस वीडियो को थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी भी। अब मान लीजिए अब आपको 80% या मतलब 85 या 90% तक का नॉलेज है, तो 5 या 10% का जो नॉलेज आपके पास कमी है ना, तो आप अपना सीनियर अकाउंटेंट से डिस्कस करके भी वो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि 100% तो किसी को भी नॉलेज नहीं होता। क्योंकि अब स्टार्टिंग में जो फ्रेशर अकाउंटेंट होता है, उसको इस बात का डर रहता है भी हमारे से मतलब GST की रिटर्न भी फाइल करवाई जाएगी, TDS भी है, TCS भी है, या फिर इनकम टैक्स का रिकॉर्ड भी तैयार करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो भार है ना टैक्सेशन का, ये आपके ऊपर शुरुआत में नहीं दिया जाएगा, उससे पहले आपको कंपनी को ये विश्वास दिलवाना होगा भी आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने आते हैं, यानी कि परचेज वाउचर की एंट्री, परचेज वाउचर में आप सही लीगल तरीके से करते हो, प्रॉपर आप लेजर क्रिएट करते हो, प्रॉपर तरीके से आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हो, उनके ग्रुप क्रिएट करते हो, उसमें जो HSN कोड वगैरह है, उनका जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह है, या उनके जो टैक्स रेट है, वो आप प्रॉपर सही तरीके से जानते हो, तो ये आप कंपनी है आपका ये जो वर्क है 3 से 4 महीने 5 महीने हो सकता है 6 महीने तक, ये प्रॉपर आपके वर्क को देखती है, आपके जो सीनियर अकाउंटेंट है वो आपके इस काम के ऊपर विजन रखते हैं भी आप प्रॉपर अकाउंट्स कितना अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेते हो। तो दोस्तों मान लीजिए आपने प्रॉपर अकाउंट्स अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर लेते हो, तो उसके बाद में जो कंपनी के सीनियर अकाउंटेंट है, तो उसको उनको आपको ऊपर थोड़ा सा विश्वास होगा भी, चलो ठीक है ये बंदा अकाउंट्स को अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेता है, तो अब इनको थोड़ा सा आगे की जिम्मेवारी भी दी जाए, यानी कि GST रिटर्न की, क्योंकि जो हमें मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है कंपनियों में, GSTR 1 को मंथली फाइल करना है, GSTR 3B को मंथली फाइल करना है, तो ये वर्क भी आपके ऊपर धीरे धीरे आपकी इनकी जिम्मेवारियाँ आपको दी जाएगी। तब तक आपको उस कंपनी के अकाउंटिंग के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा, कंपनी में क्या वर्क होता है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हाई हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 से 3-4 महीने आपने वर्क कर लिया, तो वर्क का एक्सपीरियंस प्लस कॉन्फिडेंस दोनों इंक्रीज होते हैं। तो आपको जब टैक्सेशन की बारी आएगी तो वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये कब नहीं होगी, जब आपने अगर कंपनी में जॉब पे जाने से पहले प्रैक्टिकल अकाउंटिंग को अच्छी तरीके से सीखा होगा, तो
तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धीरे धीरे आप अपने सीनियर अकाउंट के अंडर में रहते हुए आप उन सभी को सीख सकते हो अच्छे तरीके से। सारी धीरे धीरे सारी जिम्मेवारियाँ जब आप अपने आप पे ले लोगे, सारा काम प्रॉपर आप अपने हेडेक पे लेके ईमानदारी से और अपने काम को मतलब काम समझते हुए अगर आप उसको कर लोगे कंप्लीट, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर ऐसी कंपनी में अगर आपको जॉब करनी पड़े जो कंपनी ने शुरुआत ही करी है और आप उसके पहले अकाउंटेंट ही आप हो, तो वहाँ पर आपकी जो जिम्मेवारी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि एज ए असिस्टेंट के अकाउंटेंट के रूप में तो क्या था भी, आपके ऊपर सुपरविजन रखने वाले थे जो आपके अकाउंटिंग को अच्छी तरीके से रूटीन में देख भी लेते थे। और जब नई कंपनी की जो अकाउंटिंग होगी तो वहाँ पर आपको प्रॉपर सारा काम ही करना पड़ेगा, अकाउंट्स का काम भी आपको करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको टैक्सेशन का जो काम है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो अब उसमें आपको क्या दिक्कत आएगी भी, वहाँ पर आप अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो अकाउंट्स का नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अब वहाँ पर आपकी अगर गलती की जो संभावना है वो बिल्कुल जीरो के बराबर आपको रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से अकाउंट्स की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, अच्छे इंस्टीट्यूट पे जाके आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल तरीके से आपको अपनी ईमानदारी के साथ काम को सीखना भी पड़ेगा, तब जाके आप उस स्टार्टअप कंपनी के पास अच्छी तरीके से काम करोगे। तो दोस्तों उसके साथ साथ आप अपने सीनियर अकाउंटेंट जो भी उस कंपनी के अगर कोई लीगल एडवोकेट है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके हैं लीगल ऑथराइज्ड, तो उनके कॉन्टैक्ट में भी आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि जब बारी आएगी टैक्सेशन की, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की है, चाहे उस कंपनी में टीसीएस रिटर्न किया है, चाहे वो इनकम टैक्स की बारी आएगी, तो उस दौरान आपको अपने टैक्स कंटेंट से लेके उनसे डिस्कस भी करना पड़ेगा। प्रॉपर आपको ये सारी चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम सीखते रहना पड़ेगा, बशर्ते उससे पहले आपको लगभग ये मान के चलो भी 85 से 90% आपको नॉलेज होना चाहिए जब आपने किसी इंस्टीट्यूट पे जाके अकाउंट्स को सीखा होगा तब, और वो भी आपको प्रैक्टिकल तरीके से। तो दोस्तों अब दोनों में डिफरेंस यही रहेगा भी, आपको नई कंपनी में तो आपकी सारी जिम्मेवारियाँ ही आपके ऊपर हैं और असिस्टेंट के रूप के ऊपर आपके सुपरविजन देखने वाले आपके सीनियर अकाउंटेंट हैं। तो अगर मान लीजिए वहाँ पर आपने गलती कर भी दी तो आपके सुधार की गुंजाइश आपकी काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर आप कोई गलती करते हो तो वहाँ पर उस गलती को अभी तक कंट्रोल करने की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर आपके सीनियर अकाउंटेंट बैठे हैं। और नई कंपनी के अंदर आप ही सीनियर हो, आप ही जूनियर हो, आप ही असिस्टेंट हो, तो आपको सारी जो अकाउंटिंग है वो बिल्कुल केयरफुली करनी पड़ेगी, सारे लीगल्स आपको कंप्लायंस आपको धीरे धीरे नॉलेज में लाने पड़ेंगे और अकाउंटिंग को और ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस है उसको भी इंक्रीज़ करते जाना है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पर जो चीज़ सीखते हैं वो प्रॉपर सही तरीके से सीखते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर कोई सीखते वक्त कोई फ्रेशर नहीं होता। और जब वो किसी कंपनी में अकाउंटिंग जॉब के लिए जाते हैं तब वहाँ पर उनसे जब अकाउंट का वर्क करवाया जाता है तब वहाँ पर जाके उनको दिक्कत आती है, फिर वो आके ये कहते हैं भी हमें तो प्रॉपर ये बातें अच्छी तरीके से सिखाई नहीं गई। क्योंकि सिखाने वाले ने आपको अच्छी तरीके से सिखाया होगा लेकिन आपने प्रॉपर सही तरीके से हो सकता है उसको सिखाना हो। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है भी जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट पर मतलब कोई भी अकाउंटिंग का कोर्स आप कर रहे हो, चाहे कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हो, तो पर्टिकुलर आपको प्रैक्टिकल और रियल वाउचर की ट्रेनिंग के साथ आपको सीखना पड़ेगा, न कि कोई बुक्स के नॉलेज के साथ या नोट्स के साथ। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कॉन्फिडेंस भी अगर आपका बढ़ा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हो तो प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की और भी नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।